आज हम फिर मिले हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं यम्मी यम्मी श्रीखंड। श्रीखंड बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का दही जमा लिया है। ये 1 लीटर दूध का दही यहाँ पर मैंने लिया है। पाउडर शुगर ली है 1/2 चम्मच, इलायची पाउडर, थोड़े से केसर और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल मैंने यहाँ पर लिया है। इस पर मैं एक पतला सा कपड़ा रखकर इसमें हम दही डालेंगे। ये जो हमने दही जमाया है ये हम इस कपड़े में डाल देंगे ताकि इसका जो भी पानी है वो निकल जाए। दही हमारा जितना गाढ़ा होता है उतने जल्दी इसका पानी निकलकर हमारा चक्का रेडी हो जाता है। अब चारों तरफ से इस तरह से कपड़े को अच्छे से लपेटकर हम इसको बांध देते हैं। आप चाहे तो इसको छोटे से रस्सी के टुकड़े से भी बांध सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मैंने यहाँ पर एक रबड़ ली है, इस रबड़ से हम इसको पैक करेंगे। देखिए इस तरह से रबड़ से हम इसको पैक कर देंगे। अब रबड़ लगकर तैयार है। अब हम इसको किसी ऊंचे जगह पर टांग कर रखेंगे। यहाँ पर एक अलमारी का हैंडल है, इस अलमारी के हैंडल पर मैं इसको इस तरह से बांध दूंगी ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए इस तरह से हमको इसको रखना है। लगभग 5-6 घंटे के बाद हमारा ये जो चक्का है ये तैयार हो चुका है। इसमें से सारा पानी निकल चुका है। 5-6 घंटे में देखो कितना बढ़िया यहाँ पर चक्का बनकर रेडी है। पूरा पानी इसमें से निकल चुका है। 1 घंटे पहले मैंने गुनगुने दूध में केसर भिगोने के लिए रख दी थी। अब ये जो भी हमने चक्का तैयार किया है हम इसमें शुगर डालेंगे। हमारे पास जितना भी चक्का बनकर तैयार होता है उसके 1/2 मात्रा में हमें इसमें शक्कर मिलानी है। यानी 1 कटोरी यदि आपके पास चक्का बनकर तैयार है तो आप उसमें 1/2 कटोरी पाउडर शुगर डालकर इसको तैयार करेंगे। और यदि आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के से हम इसको थोड़ा फेटेंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्स है वो खत्म हो जाए। देखिए धीरे धीरे हमारा जो श्रीखंड है वो हल्का होता जा रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे केसर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए केसर बचा लूंगी और फिर इसमें बाकी का जो केसर है वो मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर भी मैंने यहाँ पर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से लगभग 5-7 मिनट तक मिक्स करेंगे और फेटेंगे ताकि लम्स पूरे क्लियर हो जाए। देखिए लम्स सारे मिट चुके हैं और अब हमारा जो श्रीखंड है वो एकदम हल्का और सॉफ्ट हो चुका है, खाने के लिए भी एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए श्रीखंड रेडी है। अब हम इस पे केसर और पिस्ता दोनों गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने मनचाहे हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए श्रीखंड खाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। आपको मेरा यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कीजिए। धन्यवाद।